So my dear viewers, welcome to Riding Mania and also welcome to a brand new vlog of Riding Mania. और इस ब्लॉग के माध्यम से आपको मैं टूर कराने वाला हूँ चिया लेक से लेकर गुंजी तक का। पीछे रास्ते में पड़ेगा गर्ब्यांग, जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ। और गर्ब्यांग इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। लेकिन बीच का जो रास्ता है वो काफ़ी ऑफ रोडिंग था, और उसको दिखाने के लिए मैं सबसे पहले आपको लेकर चलता हूँ चिया लेक। तो हमारा परमिट का काम हो चुका है और भाई साहब ने एंट्री कर लिया है। ओके ब्रदर। तो ये चिया लेक है एंड इट इज लोकेटेड एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 11,500 फीट। तो 11,500 फीट के ऊंचाई पे हम अभी राइड कर रहे हैं। माय डियर व्यूअर्स, बहुत मज़ा आ रहा है यार। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे इतना इंटरटेनमेंट मिलेगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ऑफ रोडिंग मिलेगा। मैं सोचा नहीं था कि इतना एडवेंचर करने को मिलेगा और देखने को मिलेगा। और वो व्यू देखिए भाई, झकास है, झकास झकास व्यू है, झकास व्यू। झारखंड से और ख़ासकर दुमका के रहने वाले यहाँ बहुत सारे लोग हैं। रहने वाले मतलब यहाँ ग्रेप में काम करते हैं। वाह वाह, पहाड़ की चोटी नहीं दिख रहा है क्योंकि बादल इतने हैं ना, हमें वेलकम करने के लिए इतने सारे बादल आ गए हैं। मज़ा आ गया भाई। थैंक यू माय डियर क्लाउड्स कि आप सब हम तीनों का वेलकम कर रहे हो, और हम तीनों आपके सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, आपके सामने सर झुका रहे हैं। और मौसम ने भी अपना मिजाज बदल लिया है, और देखिए दाहिने तरफ कुछ हट्स बने हुए हैं जो शायद ग्रेप के होंगे या फिर आर्मी वाले के होंगे। भाई साहब, ये पहाड़ है यार, क्या पहाड़ है यार, इतना बड़ा चट्टान है यार, और एक इतना बड़ा चट्टान ब्लैक, दोनों के बीच में जो गैप है और वो सामने से झांक रहा है एक छोटा सा चट्टान। वाह वाह वाह, मज़ा आ गया। एक डायनासोर इधर से उड़ के आते हैं, ये हमारे कलकत्ता के राइडर भाई। ओहो, वाट वाटर क्रॉसिंग, गुड, ग्रेट 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 ब्रदर, ग्रेट। और हम भी क्रॉस कर ही लेते हैं छोटे से वाटर क्रॉसिंग को। और फिर आ गया अफील, जो इस पूरे राइड को काफी एडवेंचरस बनाता है। और ये खच्चर है, ऊपर देखो भेड़, ये भेड़ ऐसा लग रहा है देखने से कि कीड़े चिपके हुए पहाड़ में रेशम के कीड़े चिपके हुए। सो हमारा अगला डेस्टिनेशन है गर्ब्यांग, जो यहाँ से करीब 5-6 किलोमीटर की दूरी पे है। और आप देख सकते हैं रास्ते का कंडीशन कितना बदतर है, और यहाँ के लोग जो रहते हैं उनकी जो लाइफ स्टाइल है कितना डिफिकल्ट हो सकता है। ये देखो दाहिने तरफ कितनी गहरी खाई है, पतली सी रोड, और लेफ्ट साइड में यहाँ अक्सर लैंडस्लाइड होते ही रहते हैं। और जो अगला जो छोटा सा जगह है, गांव है, विलेज है, उसको उसका नाम है गर्ब्यांग, और वहाँ के लोगों की लाइफ बहुत ही मुश्किल है। ये देखिए हमारे अनबॉक्सिंग वन सेल्फ को रहा नहीं गया और आगे निकल ही लिए। तो गर्ब्यांग इज़ ए ब्यूटीफुल प्लेस, अभी आने वाला है गर्ब्यांग, दिखाते हैं कि। और ये देखिए कितना बदतर स्थिति है रास्ते का, बहुत बड़े बड़े कंकर। तो चिया लेक जो इनर लाइन है वहाँ पर थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन की व्यवस्था है, मतलब यू आर कनेक्टेड विद द वर्ल्ड। लेकिन जैसे चिया लेक से आप आगे बढ़ते हैं गुंजी की तरफ, तो आप बिल्कुल पूरी दुनिया से कट जाते हैं। वहाँ पर कोई कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है, वहाँ पर कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोगों की क्या स्थिति होगी। अब यहाँ देखिए डाउन हिल है, फिर अप हिल है, और आपको शायद कैमरा कैच नहीं कर पा रहा होगा, बट जो एक्चुअल स्थिति है वो आकर देखने से ही पता चलेगा कि कितना मुश्किल है यहाँ पर राइड करना। लेकिन यहाँ पर लोग सैकड़ों वर्ष यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ की परेशानी को झेल रहे हैं। तो अनीस भाई आगे भागे जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे हूँ। इतने बड़े बड़े कंकर पत्थर हैं रोड पे, और थोड़ा बाइक चलाना मुश्किल हो रहा है, और मुझे ज़रा ऐसा महसूस हो रहा है कि हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस का मैं शिकार हो रहा हूँ। तो कहीं पर रुककर थोड़ा पानी वानी पियेंगे, ऐसे पानी है भी नहीं मेरे पास, तो देखते हैं आगे कहीं रुकते हैं।
सो माय डियर व्यूअर्स, वी आर एट द मोमेंट वी आर स्टैंडिंग एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,600 फीट। अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं हाई ऑल्टीट्यूड पे हूँ। अभी मुझे पानी पीने की भी इच्छा हो रही है, लेकिन यार पानी तो है नहीं। तो आगे दिख रहा है कुछ हैमलेट्स, वहाँ 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 ले लेंगे, आगे ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम गर्ब्यांग पहुँचने वाले हैं और गर्ब्यांग में ही रुक कर हम पानी जानी पियेंगे, चाय पियेंगे, थोड़ा नाश्ता वगैरह करना होगा करेंगे, बिकॉज गर्ब्यांग बिल्कुल हम पहुँचने ही वाले हैं। चलो भाई आ जाओ फटाफट, और बारिश की भी संभावना बढ़ती जा रही है, तो संभवतः बारिश हो जाए। सो माय डियर व्यूअर्स, अभी जिस जगह पे हम रुके हैं, इस जगह का नाम है क्या है, नाम है गर्ब्यांग। आगे है SSB का ऑफिस, एक है छोटा सा, एक यहाँ पर होटल है, रेस्टोरेंट है शिवम। यहाँ पर मैं चाय पीऊँगा, प्यास भी काफ़ी लगी हुई है तो पानी भी पीऊँगा यहाँ पे। सो व्यूअर्स, अभी हम रुके हैं गर्ब्यांग में, और ये हमारे कलकत्ता के राइडर है अनीस भाई, ये है उनको कौन नहीं जानता है, ये अभिषेक भाई है, और हम लोग दातुला से ही पराठा बनवा कर लाए थे और पराठा खा रहे हैं। आप देखिए, इसको बोलते हैं ना राइडिंग यार, नोमैडिक लाइफ जब तक नहीं जिया फिर राइडिंग किस बात की है। और सामने नेपाल है, और इधर है आधा नेपाल आधा इंडिया। नाम से गर्ब्यांग बनाए। अच्छा आप लोग गर्ब्यांग हो? अच्छा इसी से गर्ब्यांग बना है ना? अरे वाह वाह वाह, आंटी जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। आप लोग कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं तो हल्द्वानी से आया हूँ। हल्द्वानी से या कलकत्ता से? अच्छा अच्छा, मैं वैसे बागेश्वर का हूँ। तो हम लोग अलग अलग मिले हैं और अलग 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 से आकर एक हो गए। आपके यहाँ एक साथ पराठा खा रहे हैं, आपके यहाँ खाने में क्या क्या मिलता है? सब कुछ मिलता है, रोटी चावल। अच्छा अच्छा, पराठा जैसा बोलेंगे वैसा मिल जाएगा। चलिए बहुत अच्छा, खाते हैं वैसे खाते हैं। अच्छा अच्छा, दाल चावल खाते हैं सभी। चलिए चलिए, ओके ओके। आंटी जी चाय तीन बनेगी। बेटा नाम क्या है आपका? पूजा। हाँ कोई है? बोलो बोलो क्या नाम है? पूजा। पूजा नाम है इसका, और पूजा का दुकान है यहाँ पर। मैंने पिया है चाय, एक अपने ही दो कप चाय पी हमने पिया है। ओके पूजा भाई। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये गर्ब्यांग है, गर्ब्यांग से चाय वाय पीकर हम अब निकल रहे हैं गुंजी की तरफ, और ये कुछ हमारे झारखंड के भाई लोग हैं, इनके वजह से ही हम इस अच्छे रोड पे चल पा रहे हैं। और वो पूजा है वहाँ से हंस रही है, पूजा हमें पिलाई है चाय। पूजा हाथ हटा। हाँ हाँ ले लिया ले लिया। हाँ देखो यहाँ भी पास लगी। अच्छा हाँ, अरे बाप यहाँ के भेड़ है। अच्छा बकरियाँ हैं यहाँ के? भाई साहब कितने बकरे हैं आपके? हाँ कितने बकरे हैं? 50-60 है। अरे बाप आपके अपने हैं? अरे वाह वाह क्या बात है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? कुंदन सिंह। चलिए कुंदन सिंह जी, बहुत अच्छा लगा देखकर। तो ये है यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल। अभी तक नियरली यहाँ के जो लोग हैं वे बिल्कुल निगलेक्टेड है, पशुपालन करना, थोड़ी बहुत खेती कर लेते हैं, तो इनका यही लाइफ स्टाइल है, इसी से इनका जीवन यापन ये करते हैं। और अभी हम गर्ब्यांग से निकले हैं तो बिल्कुल डाउन हिल जा रहे हैं, और गुंजी शायद हम अब पहुँचने ही वाले हैं। यह देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, इधर बिल्कुल धूप नहीं है, सामने धूप आ रही, कितना मेस्मराइजिंग व्यू है। और फिर आ गया एक अफिल, और रास्ते क्या भाई साहब क्या रास्ते हैं, कितने खतरनाक रास्ते हैं, और बारिश भी हल्की सी शुरू हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे अपना GoPro डिस्माउंट करना पड़ेगा। फिर भी अभी तक चल रहा है, हमारे अनीस भाई आगे हमारा वेट कर रहे हैं। चलो चलो अनीस भाई। और ब्यूटीफुल व्यू, सामने का व्यू इतना खूबसूरत व्यू है। तो अभी मुझे अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब मुझे अपने कैमरे को डिसमाउंट करना है, और गुंजी के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक स्टे हैप्पी स्टे ट्यून्ड।